नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रैक्टिस शीट 14 में। ये क्विज ऑन पंक्चुएशन मार्क्स है जो कि मिक्स्ड है। ये क्वेश्चन शीट 1 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है। इसको पॉज करके टाइम लें और रीराइट कीजिए सेंटेंसेस को। पंक्चुएशन को इजी करने के लिए यहाँ पे जो स्पीच है वो विद इन इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है, बट बाकी फुल स्टॉप, एपोस्ट्रॉफी, कॉमा, कोलन और कैपिटल लेटर्स आपको डालना है। ये आंसर्स हैं जो कि एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, इट्स टाइम वी टुक ए ब्रेक। नाउ यहाँ पे दोनों आंसर सही है। पहला वाला इट इज टाइम कॉमा वी टुक ए ब्रेक, दूसरा इट्स को कॉन्ट्रैक्शन में लिया गया है, इट्स टाइम कॉमा वी टुक ए ब्रेक। इट इज टाइम के बाद कॉमा क्यों लगेगा? बिकॉज दिस इज इंट्रोडक्टरी फ्रेज और हमेशा इंट्रोडक्टरी फ्रेज के बाद कॉमा आता है। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दिख रहा है कि एक रिक्वेस्ट है, सो कैन का सी कैपिटल होगा, बीच में कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं, एंड इन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, वाओ यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल हॉकी टीम। जैसा देख रहे हैं पहला वर्ड जो है दिस इज एक्सक्लामेटरी वर्ड, तो एक्सक्लामेटिव वर्ड के बाद ऑफकोर्स नोट ऑफ एक्सक्लामेशन हुआ। वाओ का डब्ल्यू कैपिटल हुआ, चूंकि ये इटसेल्फ इज एन एक्सप्रेशन, एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इसीलिए यू का वाई कैपिटल से शुरू होता है। यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल हॉकी टीम, सिंस इट इज द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल हॉकी टीम का सारे वर्ड्स जो है कैपिटल लेटर्स में है एंड देन फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 4, आई आस्क्ड माय टीचर, Can I please take another day to finish my assignment? So I asked my teacher, I capital starting of the sentence hai, teacher ke baad comma, and can I please take another day to finish my assignment? Ye ek alag vakya hai, and ye vakya kaun sa hai? Interrogative sentence hai, isiliye yahan pe question mark aaya, and this entire sentence jo hai inverted comma ke andar hai, aur question mark इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। क्वेश्चन 5, आयशा सेड टू मी, आई एम श्योर यू नो अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आयशा का ए कैपिटल होगा, सेड टू मी के बाद कॉमा होगा, और उसने क्या कहा, ये पूरा उसकी जो स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जाएगा। दिस इज ए फुल सेंटेंस, इसीलिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में फुल स्टॉप आया। I am is in contracted form, इसलिए I के बाद apostrophe और A omitted है और M आएगा। Question 6, do you know Aisha said anything about the new education policy? Now as you can see, do you know anything about the new education policy? एक complete sentence है जो कि interrogative form में है। Aisha said बीच में दिया गया हुआ है, so do you know के बाद ये comma लगा, सिंपली बिकॉज ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। यही सेंटेंस का कंटिन्यूटी एनीथिंग अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसीलिए एनीथिंग का ए छोटा होगा एंड विद इन इन्वर्टेड कॉमा होगा। सो डू यू नो कॉमा आयशा सेड कॉमा विद इन इन्वर्टेड कॉमा एनीथिंग अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विद इन इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन मार्क अंदर होगा, क्योंकि ये एक एंटायर सेंटेंस है जो क्वेश्चन के फॉर्म में है जिसे आयशा ने कहा। क्वेश्चन 7, प्रोफेसर शाइनी वाज मेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वुमेन्स बास्केटबॉल टीम। प्रोफेसर का पी कैपिटल होगा क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है, दूसरा प्रोफेसर इज एन एब्रिविएशन इसीलिए यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, शाइनी इज द नेम सो प्रॉपर नाउन है, एस वुड बी कैपिटल, वाज मेड द वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट एक टाइटल है तो उसके बीच में क्या हाइफन लगेगा, बट वाइस प्रेसिडेंट कैपिटल नहीं होगा क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के इज नॉट फॉलोड बाय एनी नेम ऑफ द वुमेन्स बास्केटबॉल टीम। वुमेन्स में यहाँ एपोस्ट्रोफी एस होगा क्योंकि ये पजेसिव नाउन है वुमेन्स का, दूसरा वुमेन्स बास्केटबॉल टीम ये सारे कैपिटल लेटर्स में होंगे बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर दैट फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 8, अराउंड 6 AM टूडे My parents arrived. Around का A capital होगा because starting of the sentence. A dot M dot because these are initialisms. So A के बाद dot, M के बाद dot यानी full stops होंगे.
टुडे के बाद कॉमा होगा। रूल के मुताबिक अराउंड 6 AM टुडे जो है एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, तो कॉमा होना जरूरी है। माई पेरेंट्स अराइव्ड, सो सेंटेंस कंप्लीट होता है, सो देयर इज ए फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 9, हरीश आस्क्ड मी इफ आई न्यू हु द सीएमडी वाज। जो सीएमडी जो है ये एक पोस्ट का शॉर्ट फॉर्म है, सो इट इज रिटन इन द एक्रोनिम्स सीएमडी, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। सो हर एक के बाद डॉट्स या फुल स्टॉप्स आएगा। वॉज के बाद फुल स्टॉप आएगा, देयर वुड नॉट बी एनी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ इफ आई न्यू करके है, ये विद इन इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, दिस इज एन इनडायरेक्ट स्पीच। ये नंबर वन या फिर सेकेंड जो है ऑप्शन, हरीश आस्क्ड मी इफ आई न्यू हू द सीएमडी वाज इन कैपिटल लेटर्स। आजकल कई जगह जो देखा गया है एक्रोनिम्स के बाद में फुल स्टॉप्स देना बंद हो गया है, इन दैट केस इवन दिस वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, टीएस एलियट्स द वेस्टलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट नोन पोएम्स इन इंग्लिश। टीएस एलियट नाम है तो इसीलिए ये ऑल कैपिटल लेटर्स में होगा, एंड दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स, तो टी डॉट एस डॉट एलियट्स, एलियट का वेस्टलैंड, सो एलियट के बाद एपोस्ट्रॉफी एस होगा। द वेस्टलैंड इज द नेम ऑफ अ पोएम, सो ऑब्वियसली दैट इज विद इन द इन्वर्टेड कॉमा, इज वन ऑफ द बेस्ट नोन पोएम्स इन इंग्लिश, उसके बाद फुल स्टॉप। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये क्विज इंफॉर्मेटिव लगा तो जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और एक क्विज लेके। थैंक यू वेरी मच।